आज हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं और दिल बहुत ही हल्का हल्का, दिमाग बहुत ही हल्का हल्का सा फील हो रहा है। तो मन कर रहा है कि पंछियों की तरह उड़ पड़ूं। आज खत्म हो गया मेरा एग्जाम, नाउ आई एम फ्री। वेलकम बैक टू चैनल। आज हम आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता है और जो भी अभी हम शेयर करने वाला ये हम एक महीना पहले से एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम सोचा है क्यों ना जो मेरा एक्सपीरियंस में जो भी कुछ हमको अच्छा लगा है, जो भी इसमें से हमको खराब लगा है, वो सब का बारे में आपको शेयर करेगा। तो आज हम बात करने वाला है लैपटॉप के बारे में। तो जैसे कि हम बोल चुका है कि एक महीना से हम चला रहा है, तो हम जितना भी एक महीना के अंदर जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी चीज अच्छा लगा, जो भी फीचर अच्छा लगा है, तो सब आपको ऑनेस्टली हम शेयर करेगा। और मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है तो मेरे पास टाइम भी है, तो अभी हम ये वीडियो बना रहा है। तो लेट्स हैव अ लुक टू द लैपटॉप। वैसे तो हम इसका अनबॉक्सिंग कर चुका था एक महीना पहले, जैसे कि हम आपको बताया है, लेकिन भी हम आप लोग को मेरा वाला फीलिंग शेयर करना चाहता है, कितना एक्साइटेड था। सबसे मजेदार बात क्या था इसमें सबसे मजेदार बात ये था कि इसको खोलने के लिए हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, तो वही वाला फीलिंग हम आपको देना चाहते हैं। इसलिए ये चाकू, ये वैसे तो सिलम तोड़ चुका, लेकिन भी फीलिंग्स के लिए, फीलिंग्स इज द मेन, समझे। तो सबसे पहले इसमें चार्जर दिया गया था, चार्जर पैकेट के साथ था। और उसके बाद इसका पैकेजिंग सबसे 100 एकदम, इसका पैकेजिंग ना सारा पैसा हमको लगता है इसका पैकेजिंग का है, क्योंकि इसका पैकेजिंग में इतना सारा सिक्योरिटी दिया गया था ना। सबसे पहले देखो, इसको फाड़ा, उसके बाद ये खोला। जैसे ही खोला मैं देखता है कि इसका अंदर और एक कार्टून है। चलो कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट और बढ़ते जा रहा है सस्पेंस के साथ। अब इसको खोला, ये साइड में ये रहा। अब इसको भी खोला, हम अंदर से ये फील कर रहा था कि भाई साहब कब आएगा लैपटॉप, कब आएगा, कब देखने मिलेगा लैपटॉप का शक्ल, कब मुंह दिखाई होगा। इसको भी पढ़ा, चलो फिर अंदर क्या देखते हैं, और एक कार्टून। भाई साहब इतना सारा सिक्योरिटी यार, 5 star for the security, 5 star for the packaging, ओके। और उसके बाद फिर देखता है कि इसके बाद भी और एक कार्टून है, जो कि मेन कार्टून लग रहा था। इसमें लिखा हुआ था चेक कंटेंट इफ सील इज ब्रोकन, तो ये भी पड़ा। फिर एक्साइटमेंट और गहराई के अंदर, फिर देखता है कि ये खोल दिया, उसके बाद देखता है कि लैपटॉप फिर भी नहीं आया, फिर डबल। इसके बाद ये आता है जो इसके साथ स्टैंड के साथ आया था, और एक शायद अंदर और एक है। तो इसके बाद मन को थोड़ा तसल्ली मिला कि भाई साहब प्रेडिटर आ ही गया आखिरकार। इसके बाद ये जो खुलने के बाद दृष्टि दशा जो मेरा मन में हुआ, वया नहीं कर सकते भाई साहब, वया नहीं कर सकते। उसके बाद ये डन डन देखो, उसके बाद सबसे पहले खुलने के बाद ये आता है, ये इसका अंदर है। ये हम पढ़ा नहीं क्योंकि उस दिन बहुत ही एक्साइटमेंट के वजह से आपके भाई के ज्ञान डगमगा गए थे। तो इसमें लिखा हुआ है प्रीडिटर सेटअप गाइड। हाँ भाई साहब कौन नहीं जानता आजकल, तो चलो इसको नहीं पढ़ा। उसके बाद आता है ये प्रीडिटर हिलियस 300 क्विक गाइड, इसको भी नहीं खुला क्योंकि भाई साहब लैपटॉप चलाने आता है मेरे को, आती हैं हमें सारे कुछ। अगर आपको भी मेरी तरह बनना है तो स्क्रीन के नीचे डिस्क्रिप्शन के जस्ट बगल में लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, बिल्कुल बिना सोचे दबा दो, समझे। चलो ये भी साइड में। उसके बाद आया है ये, अरे भाई ये तो एक महीना हो गया ना भाई साहब, आप इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं है? तो एक महीना पुराना है, तो स्टिकर चिपका लिया आपके भाई ने एक्साइटमेंट के कारण, बहुत ही ज़्यादा रुकने के बाद ये आया था अपने पास, तो इसके कारण हम इसके स्टिकर चिपका दिया। तो ये जो है मटेरियल, इस चीज को खोलने के बाद जो सुकून है। चलिए तो आपको बताते हैं इसके फीचर्स के बारे में, आइए हमारे साथ जुड़े रहिए और बीच बीच में लाइक भी दबाते रहिए, और पसंद आया तो शेयर भी जरूर से जरूर कीजिएगा। क्या है कि उससे फायदा होगा मेरा, और मेरा फायदा होगा तो ऐसा लैपटॉप चेंज करते रहेगा ना, क्या समझे। चलो टू द फीचर्स ऑफ दिस लैपटॉप।
जिसको भी ये टेबल का सफाई देख के ऐसा लग रहा है कि भाई सफाई करने लग गया है तो आप बहुत बड़ा गलत फहमी में। सुबह तक ये टेबल कुछ ऐसा था, सारा मेरा रूम का जितना भी कचरा है सब यहीं पड़ा हुआ था, लेकिन क्या करें, भाई को बनाना था वीडियो इसलिए सफाई किया गया। हाँ तो फिर आते लैपटॉप पे, ये है Acer Predator i5 8th Gen 1TB HSD plus 128 SSD with 4GB graphics GTX Ti के साथ। ये लैपटॉप हम ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से लिए, दिवाली का ऑफर चल रहा था तो हम ले लिया। ये लैपटॉप लेने का मेरा खास मकसद ये कि हम है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो हमको लैपटॉप चाहिए होता है कोडिंग प्रोग्रामिंग करने के लिए। प्लस इतना रेंज में, इतने बजट में जो ये लैपटॉप आ रहा है बहुत ही अच्छा है, सिस्टम तगड़ा दिया गया है, प्लस ग्राफिक्स दिया गया है, तो हम इसमें एनिमेशन कर सकता है, वीडियो एडिटिंग कर सकता है, वो सब तक कर ही सकता है। अब बात करते हैं इसका क्वालिटी के बारे में। सबसे पहला खासियत बात ये है कि इसमें बैक लीट है, मींस बटन का नीचे जो लाइट जल रहा है ये है, हर लैपटॉप में नहीं होता है, खासकर ये गेमिंग लैपटॉप में होता है। ये ऑब्वियसली Acer Predator है तो ये गेमिंग लैपटॉप है। और उसके बाद आते हैं स्क्रीन पे, स्क्रीन में जो है IPS है। IPS मींस क्या करता है, जिस स्क्रीन में IPS नहीं होता है उसमें क्या होता है कि अगर आप साइड से मुड़ के देखें या फिर इस तरफ से देखें या इस तरफ से, तो क्या होता है मूवी देखते समय क्या होता है कि साइड से देखने वाले को नेगेटिव दिखाई मिलता है, मींस ब्लैक एंड व्हाइट टाइप। लेकिन IPS में क्या होता है, आप इसको उठा के इस तरफ से भी देख सकते हैं, चाहे इस तरफ से देखे, चाहे आगे से देखे, कहीं से भी देखे, इसमें जो स्क्रीन का क्वालिटी वो हर तरह से एक ही दिखेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि साइड में बैठने वाला को कुछ दिखाई नहीं मिलेगा, ये हो गया स्क्रीन का। अब बैटरी बैकअप इसका लगभग 2 से 2.5 आवर चल जाता अगर फुल चार्ज है तो, और प्लस गेम खेलने के लिए है तो ये बस 1 आवर ही चलता है। इसको हम पूरा फुल टेस्ट किया है कितना देर तक इसका ड्यूरेबिलिटी है बैटरी, तो 1 घंटा ही चलेगा। पबजी वबजी जो भी आप इसमें सब खेल सकते हैं, सब जितना भी ग्राफिक्स वाला गेम्स है सब। अब आता है इसका लुक का ऊपर, इसका लुक्स बहुत ही डिसेंट है और बहुत ही मीन्स स्मूथ एंडिंग दिया गया है इसमें, मीन्स मेटल बॉडी है, हाफ मेटल बॉडी, फुल मेटल बॉडी भी नहीं है, ये हाफ मेटल बॉडी है, तो बहुत ही स्मूथ है पकड़ने में उठाने में। भले ही ये नॉर्मल लैपटॉप से थोड़ा हैवी है क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप होने के साथ इसका सिस्टम तगड़ा होना पड़ता है, इसके लिए ये थोड़ा हैवी है नॉर्मल लैपटॉप से। तो आते हैं इसके कनेक्शन के बारे में, कनेक्शन में इसको मिलेगा HDMI पोर्ट जो आप वाईफाई लेन कनेक्ट करके लगा सकते हैं, डायरेक्ट जो भी वाईफाई रूटर होता है इसमें डायरेक्ट कनेक्ट करके लगा सकते हैं। उसके बाद सी टाइप एक पोर्ट है और एक कार्ड रीडर है, एक USB रीडर है, HDMI पोर्ट भी है इसमें, और इस साइड देखें तो इस साइड है एक माइक जैक, 2 USB पोर्ट प्लस चार्जिंग पोर्ट, और यह है इसका कनेक्शन। और इसका पीछे का तरफ देखिए तो आपको मिलेगा ट्विन फैन। सबसे बढ़िया बात, गेमिंग लैपटॉप में हमेशा ट्विन फैन होना है क्योंकि गेमिंग लैपटॉप का हमेशा बूस्ट मोड में रहना है, तो इसमें ट्विन फैन है। आपको यहाँ 2 फैन दिखाई मिलेगा, उसके बाद यहाँ जो इजेक्टर है गर्म हवा जितना भी है सब यहाँ से इजेक्ट हो जाता है, और प्लस यहाँ भी एक होल है, इस होल से सारा गर्म हवा निकल जाता है। और ये स्टिकर हम लगाया था बस यूं ही इंजॉयमेंट, कभी कभी कर लेना पड़ता है एक्सपेरिमेंट इंजीनियर। अब बात ये है कि ये हीट कितना होता है, हीट इसका देखो, हीट अब ठंडा सीजन आ रहा है तो आपका रूम में हीटर का जरूरत नहीं है, इतना हीट दे सकता है, प्लस कुकर भी इसमें बैठा के खाना पका सकता है। मजाक कर रहा है, इसमें हीट बिल्कुल नहीं है, मीन्स है, आप यूज करते समय आप इसमें हीट प्रोड्यूस होता है लेकिन आप उसको फील कर सकता है इजेक्ट होता हुआ, आपको पीछे में जब भी हीट होगा ये पीछे से इजेक्ट कर देता है, मीन्स इसका हीट होने से भी इसका पावर, इसका बूस्टर पावर इसको बहुत जल्दी कूलिंग मोड में डाल देता है। तो इसका प्रीडिटर सेंसर, इसका बहुत ही खास अच्छा खासियत ये है कि इसका प्रीडिटर सेंसर खुद ही इसको बूस्ट करके कूल कर देता है, ये है। और इसमें हर तरह का एप्स आप डाउनलोड कर सकता है, गेमिंग एप्स हो, एडिटिंग एप्स हो, पढ़ाई का एप्स हो, जैसे कि हम एक ये डाउनलोड किया है टर्बो C++, ये कोडिंग के लिए काम आता है इंजीनियर्स को, स्टूडेंट्स को, तो ये सब है इसमें। और इसमें दिया गया है यहाँ में एरोब्लेड 3D पैन लिखा है, बोल चुका है जैसे कि 3D पैन है, ट्विन फैन है, 2 लगाया हुआ है, और लिखा हुआ है बैकलिट कीबोर्ड, बैकलिट मीन्स ये जल रहा है, एकदम ऑसम, और ये फ्री का दिया गया था, सिक्योरिटी एंटीवायरस प्लस अप टू 2x फास्टर वायरलेस, मीन्स वायरलेस अभी हम जैसे मेरा रूम में वाईफाई रूट है तो हम अपना वाईफाई इसमें कनेक्ट करके रहता है, तो
दो गुना ज़्यादा स्पीड देता है ये, और फास्टर डाटा ट्रांसफ़र, और ये SSD इसमें होने का कारण से डाटा जल्दी से फास्ट होता है। SSD क्या होता है, SSD थोड़ा महंगा होता है, लेकिन ये भी स्टोरेज ही होता है, लेकिन इसमें जो है डाटा जल्दी ट्रांसफ़र होता है HDD का मुकाबले, तो इसमें SSD भी क्या इसलिए जल्दी हो जाता है ट्रांसफ़र। प्लस टाइप सी कनेक्ट, प्लस यहाँ दिया गया है NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, इसमें जो है ग्राफिक्स ये है। अब देखो ग्राफिक्स हो सकता है GTX 1050 और GTX 1050 Ti अपडेटेड वर्जन ऑफ GTX 1050 है, तो इसमें बहुत तगड़ा मीन्स इतना मिड रेंज में तगड़ा एकदम बवाल, एकदम ना बवाल वाला चाहिए, अरे भाई साहब बवाल वाला चाहिए, तो ये है Acer Predator Helios 300। लेना चाहेगा तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल रिकमेंडेड है। और इसमें अभी हमको क्या चीज़ खास है, इसमें क्या अच्छा नहीं लगा है, ये अच्छा नहीं लगा है कि इसमें जो ये स्क्रीन का ये जो है पार्ट, ये गार्ड लूज है, जैसे देखो ये अगर हम प्रेस करता है तो स्क्रीन का गार्ड जो है अंदर धस जाता है, तो इससे क्या होता है कि स्क्रीन का प्रोटेक्शन कम हो जाता है, तो इसके कारण ये हमको थोड़ा डिफॉल्ट लगा है इसका, और बाकी सब बढ़िया है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और आज का वीडियो के बारे में जो भी था यही था, सब आपका साथ जितना शेयर करने का दिल था आपको शेयर कर दिया आपके साथ में, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाकी का जितना भी आज का बाद जो भी वीडियो एडिट होगा ये इसी लैपटॉप से होगा, एडिटिंग के लिए क्वाइट गुड है। तो ठीक है, थैंक यू for watching this video. मेरा अंदर में हम तो वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल श्रवण। क्लिप तगड़ा है ये, जो मिड रेंज बजट में ये अच्छा क्वालिटी देता है, प्लस इसका जो सिस्टम